को लाओ, सुमन खातून को लाओ, भगवतिया देवी को लाओ, तब हम इस पर सहमति देंगे। हम सहमति देने वाले नहीं है। अभी ये सरकार खलिहानों में आंदोलन होगा, आंदोलन बड़ा भारी आंदोलन। जो महिलाओं का हमारा पूरे देश भर का आरक्षण मिलना चाहिए, इसीलिए हम लोग धरना प्रदर्शन हर जगह रोक लगा रहे हैं पूरे देश भर। और हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे तब तक महिला पिछड़े महिलाओं के हमारा मुस्लिम महिलाओं के बहनों को और दलित पिछड़ा आदिवासी महिलाओं जो भी पिछड़ा महिला हमारी है सबको आरक्षण मिलना चाहिए। महिला बिल के हम खिलाफ नहीं है, लेकिन जो नौकरी में नरेगा में काम करने वाली महिला है, मुस्लिम महिलाएं हैं, पिछड़ा वर्ग की महिला है, घास काटने वाली महिला है, जो भारत की बेटी है, उस बेटी को पार्लियामेंट में ले आओ, असेंबली में ले आओ, लेकिन ये उनको कलावती देवी को लाओ, चुमन खातून को लाओ, भगवतिया देवी को लाओ, तब हम इस पर सहमति देंगे। हम सहमति देने वाले नहीं है। अभी ये सरकार खलिहानों में आंदोलन होगा, आंदोलन बड़ा भारी आंदोलन। तो ये अकलियत जो हमारी बहने हैं भाई हैं, उनको ये देखना नहीं चाहते हैं। वोट ले लिया मुसलमान भाइयों से, 80% वोट मिला लोगों को, और जब काम करने का समय आया तो नहीं चाहिए, अल्पसंख्यक नहीं चाहिए, पिछड़ा नहीं चाहिए, दलित बेटी नहीं चाहिए, तो हमको भी वो सरकार नहीं चाहिए। बीचों में इस सरकार जाएगी दिल्ली वाला, और नीतीश भी उनका साथ दिया है। नीतीश कुमार जो यहाँ क्या के साथ दिया, इन हरे फिटकरी के जाके इधर घूमता है कि हम मुसलमान भाई का ही और जटिलाना है। हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, राबड़ी देवी लड़ रही। सोनिया गांधी जी बोली कि राबड़ी देवी को हम फोन करके पूछेंगे। अरे क्या पूछ के लिए आरक्षण व्यवस्था नहीं किया गया है, ना लोकसभा में न विधानसभा में। इसीलिए हम लोग मांग करते हैं कि पिछड़ों महिलाओं का हमारा पूरे देश भर का आरक्षण मिलना चाहिए, इसीलिए हम लोग धरना प्रदर्शन हर जगह रोक लगा रहे हैं पूरे देश भर। और हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे तब तक महिला पिछड़े महिलाओं के हमारा मुस्लिम महिलाओं के बहनों को और दलित पिछड़ा आदिवासी महिलाओं जो भी पिछड़ा महिला हमारी है सबको आरक्षण मिलना चाहिए। तब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, आंदोलन हम लोग का जारी रहेगा। हमारा राष्ट्रीय जनता दल का पार्टी इसके लिए पूर्ण विरोध करता है। और आप देखेंगे कैसे लालू जी लोकसभा में विरोध किए, और हमारा 4 MP अकेले 4 MP और उसमें सब और पार्टी भी है। तो हम लोग सब लोग पूरे देश भर में इसके लिए आंदोलन हम लोग करेंगे। अब आप लोग का हम बहुत धन्यवाद।